अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद हसन। कुछ दिनों के वक्फे के बाद हम फिर एक बार हाजिर हैं बड़ी 10 खबरों के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर। भटकल में कल सुबह से शाम तक नहीं रहेगी बिजली की सप्लाई। सर्विस लाइन की जा रही है मरम्मत। हेस्कॉम महकमे की तरफ से टाउन की अपील। डीके शिवकुमार के घर पर सीबीआई की छापामार कार्रवाई के खिलाफ उड़पी में कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने निकाला एहतजाजी जुलूस। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनान को किया गिरफ्तार। कासरगोड में बड़ी तादाद में संदल की लकड़ियों को किया गया जब्त। पुलिस की छापामार कार्रवाई में मिली 2.5 करोड़ मालियत की लकड़ियां। सऊदी अरेबिया में कोरोना की दहशत बरकरार। हुकूमत ने दी महदूद तादाद को उमरा करने की इजाज़त। हिंदुस्तान का नाम नहीं है शामिल। कोरोना को मात देने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुए डिस्चार्ज। व्हाइट हाउस में पहुंचकर एहतियात बरतने की अपील। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम का अमल हुआ मुकम्मल। 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी इलेक्शन। हथरस मामले में चीफ जस्टिस ने केस को बताया खौफनाक। केस की समाअत 12 अक्टूबर तक की गई मुलतवी। आईपीएल 2020 में दिल्ली ने दी आरसीबी को बड़ी शिकस्त। अक्षर पटेल समेत स्टोइनिस और रबड़ा ने मचाया कोहराम। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज नजीब तरक्की का हुआ इंतकाल। मंगल के रोज सड़क हादसे में हुए थे जख्मी। रियासती हुकूमत की तरफ से लागू किया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब सरकारी अफसरान और तिब्बी अमला को नहीं होगा हड़ताल की इजाजत।